Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच ओ दिस इज माई एट्थ चैप्टर दैट इज एंटी सिपेटरी बेल चूंकि मैंने हिंदी माध्यम इसको चुना है तो एंटी सिपेटरी बेल का मतलब है अग्रिम जमानत अब इसको देखने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता नाइनटीन सेवेंटी थ्री के अंतर्गत अग्रिम जमानत क्या है और किन परिस्थितियों में अग्रिम जमानत दी जाती है जैसा कि प्रीफिक्स जो वर्ड जो, जो जुड़ा गया है वह अग्रिम है एंटीसिपेटरी बेल बेल इन एंटिसिपेशन इसको इंग्लिश में यदि समझा जाए तो बेल इन एंटिसिपेशन एंटीसिपेशन का मतलब है प्रत्याशा आशा आशंका आशंका किस बात की कि द पर्सन मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर व्यक्ति पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है इस एंटीसिपेशन में इस प्रत्याशा में वह न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आ सकता है तो अब देखते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल का शाब्दिक अर्थ क्या है अग्रिम जमानत अर्थात जमानत गिरफ्तारी के पूर्व जैसा कि मैंने इसके पूर्व के व्याख्यान में बताया कि जमानत दो परिस्थितियों में दी जा सकती है न्यायालय के द्वारा एक प्री प्री अरेस्ट एंड पोस्ट अरेस्ट गिरफ्तारी के पूर्व जमानत और गिरफ्तारी के पश्चात जमानत तो जो गिरफ्तारी के पश्चात जमानत दी जाती है पोस्ट अरेस्ट बेल है वह धारा फोर थर्टी सिक्स के अंतर्गत जमानती मामलों में यदि अक्यूज को गिरफ्तार किया गया है तो वह जमानती अपराध में न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन देता है तो न्यायालय के द्वारा उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि जमानती अपराध में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना आज्ञापक है बाध्यकारी है वैसे ही जब अजमानती अपराध की स्थिति में अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना या न छोड़ना यह न्यायालय का विवेकी अधिकार है यह प्रावधान सी के सेक्शन फोर में प्रावधानित किया गया है हम इनको रेगुलर बेल के नाम से जानते हैं नियमित जमानत आफ्टर अरेस्ट गिरफ्तारी के पश्चात परंतु गिरफ्तारी के पूर्व अभियुक्त को जमानत या न्यायालय के द्वारा अरेस्टिंग ऑफिसर को यह निर्देश देना कि ऐसे व्यक्ति को जिसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किए जाने की आशंका है उसे यह निर्देश देना, गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को निर्देश देना कि वह उसे गिरफ्तार न करे यह अग्रिम जमानत के रूप में जाना जाता है एंटीसिपेटरी बेल के रूप में जाना जाता है कि बेल प्रिय बिफोर अरेस्ट गिरफ्तारी के पूर्व अभिक को जमानत पर जमानत दिया जाना आफ्टर हैविंग दिस एंटिसिपेटरी बेल जिस पर्सन जिस भी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसे किसी अजमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है वह न्यायालय के समक्ष किस न्यायालय के समक्ष सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष वह आवेदन दे सकता है अब इस स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि अग्रिम जमानत का कॉन्सेप्ट क्या है किस उद्देश्य के लिए अग्रिम जमानत को ये लाया गया आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि अग्रिम जमानत का प्रावधान सेक्शन फोर थर्टी एट के अंतर्गत किया गया है यह जो अग्रिम जमानत कब मिलेगी इसमें मैंने लिखा है जहां अभियुक्त को यह विश्वास है कि हाई कोर्ट या विश्वास है कि उसे किसी संजे उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है वहां पर ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोर्ट या सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दिया जा सकता है और हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे सकती है इस अग्रिम जमानत प्राप्त करने के पश्चात ऐसा व्यक्ति उस प्राधिकारी से जो प्राधिकारी उसे गिरफ्तार ग्रप्त, करने आता है वह दिखा सकता है कि न्यायालय के द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो जो पर्पज ऑफ एंटिसिपेटरी बेल है कि यदि किसी भी अभियुक्त को ऐसी आशंका है कि उसे अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है यह तो मैंने सामान्य जो धारा फोर थर्टी एट के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है उसको बताया अब सेक्शन फोर थर्टी एट के अंतर्गत जो शब्दावली यूज की गई है कि जहां पर किसी भी व्यक्ति को अजमानती अपराध में गिरफ्तार किए जाने की युक्तियुक्त आशंका है उसे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि उसे अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है वहाँ ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है और उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अभियुक्त के पूर्व इतिहास को आपराधिक इतिहास को देखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के प्रकृति को देखते हुए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से उसकी भागने की संभावना इत्यादि को देखते हुए ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे सकता है अब अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय धारा चार के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखता है वह यह मैंने स्लाइड के माध्यम से आप देखें अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्त की गंभीरता है दूसरा मैंने लिखा है कि अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि या संघीय मामले में उसकी कोई पूर्व दोष सिद्धि की गई है उसे या अभियुक्त की न्याय से भागने की कोई संभावना है कि वह देश छोड़कर भाग सकता है या भागने की संभावना है चौथा है कि क्या आरो, क्या आवेदक को अपमानित करने के लिए आरोप लगाया गया है ऐसी स्थिति में इन सुसंगत विषयों को न्यायालय ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत अभियुक्त को देता है ऐसी स्थिति में सशर्त जमानत का प्रावधान धारा चार सौ उनतीस उपधारा दो के अंतर्गत है मैं कंडीशनल एंटीसिपेटरी बेल की व्याख्या करूं। इससे पहले आवश्यक है यह जान लेना कि एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत का कॉन्सेप्ट आपराधिक मामलों में क्यों लाया गया वे कौन से कारण थे जिस कारण की वजह से कि व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूर्व ही एक निर्देश दे देना अथॉरिटी को कि इस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार न किया जाए जब तक कि इस पुलिस प्राधिकारी के पास पुख्ता सबूत या महत्वपूर्ण साक्ष्य न प्राप्त हो जाए इसके पीछे जो दर्शन है जो सेक्शन 438 अग्रिम जमानत को अपराध विधि के अंतर्गत लाने की जो लाने के पीछे जो मुख्य कारण यह है कि प्रायः व्यक्ति राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण या आपसी दुश्मनी के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए अपमानित करने के लिए ऐसा प्रयास कर सकता है कि वह किसी ऐसे आपराधिक धाराओं में मुकदमा पंजित कर दे जिसमें अभियुक्त यदि गिरफ्तार हो जाए जेल चला जाए अपमानित हो जाए तो वह उसकी तुष्टि वह उस व्यक्ति की संतुष्टि मानी उस व्यक्ति की संतुष्टि हो जाती है ऐसी स्थिति में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए निर्दोष व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति आपराधिक मामलों में फंसा न सके इस इसे सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निर्दोष व्यक्ति को जिसे ऐसा लगता है कि उसे किसी अजमानती अपराध में कोई व्यक्ति फंसा सकता है वह गिरफ्तारी के पूर्व अपने इस आदेश को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दे सकता है दूसरी तरफ इस अग्रिम जमानत को बताते समय मैं साथ ही साथ यह बताने का प्रयास कर दूं छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रा, प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति एक तो है कि अग्रिम जमानत वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है कोर्ट से लेकिन जो कोई भी व्यक्ति कोई विद्वेशपूर्ण अभियोजन लाता है ईर्षापूर्ण कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित कराता है तो अब आपराधिक विध के अंतर्गत कानून हो गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान संशोधन आया है भारतीय संहिता के अंतर्गत कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार के आपराधिक अभियोग का पंजीकरण करता है मुकदमा दर्ज करता है जिसमें उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे यदि आपराधिक मुकदमा आपराधिक अभियोग यदि गलत आधारों पर पंजीकृत किया गया है और न्यायालय में यदि साबित हो गया कि गिरफ्तारी अवैध थी गलत साक्षियों के आधार पर गलत एफ कराई गई गलत इतला के आधार पर आवेदन के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया तो जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार करवाया है उस व्यक्ति को उतनी सज़ा हो सकती है जितनी सजा के लिए उसने फंसाने का प्रयास कर रहा था उदाहरण के तौर पर यदि आप इसको ऐसे समझें कि यदि एक दुकानदार अपने दुकान में काम करने वाले किसी बालक को चोरी के अपराध के लिए वह एफ करता है कि जिसे चोरी के आरोप में जेल चला जाए चोरी अजमानती संघीय अपराध है ऐसी स्थिति में यदि बालक जेल चला गया और वह व्यक्ति यदि न्यायालय से दोषमुक्त होकर आता है कि उसने चोरी किया है नहीं यह फर्जी मुकदमा है तो ऐसी स्थिति में उस दुकानदार को भी उतनी सजा हो सकती है जितनी सजा के लिए उसने फर्जी मुकदमा उसके खिलाफ लिखाया था तो ये एक इस प्रावधान को भी एंटीसिपेटरी बेल के साथ साथ जान लेना है कि जितनी आप कोई झूठी शिकायत करेंगे और उसमें जितना कारावास अगले व्यक्ति को हो सकता है यदि न्यायालय से वह व्यक्ति दोषमुक्त हो गया तो उतना ही कारावास उस व्यक्ति को होता है जिसने फर्जी शिकायत की थी या आधारहीन शिकायत की थी तो अग्रिम जमानत के साथ साथ इस प्रावधान को भी जानना आवश्यक है अब अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय वे कौन कौन सी कंडीशन लगा सकता है अभियुक्त के ऊपर यह सशर्त अग्रिम जमानत वैसे तो जमानत सामान्यतः सशर्त ही होती है कंडीशनल बेल होती है बेल विदाउट कंडीशन ऐसा नहीं हो सकता है जब भी न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर छोड़ती है तो अभियुक्त के ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज की जाती है जैसे कि अभियुक्त जमानत पर रहने के दौरान साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा गवाहों को धमकाने का प्रयास नहीं करेगा पुलिस को अन्वेषण में इन्वेस्टिगेशन में इंट्रोगेशन में सहयोग करेगा न्यायालय के द्वारा निर्धारित समय और तारीख पर अपने आप को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा हाजिर होगा न्यायालय की अनुमति के बिना वह देश छोड़कर नहीं जाएगा ये ऐसी सामान्य शर्तें हैं जो अभियुक्त के ऊपर जमानत देते समय न्यायालय लगा सकता है इसका केवल और केवल उद्देश्य यह है कि अभियुक्त पुलिस प्रशासन को सहयोग करे और न्यायालय के द्वारा निर्धारित समय और तिथि पर अपने आप को हाजिर करे अपने आप को उपस्थित करे अब सेक्शन फोर थर्टी एट दो के अंतर्गत स्लाइड के माध्यम से आप देखें कि सशर्त अग्रिम जमानत हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय निम्नलिखित शर्तें लगा सकता है पहला पुलिस अन्वेषण में वह व्यक्ति सहयोग करेगा ऐसा व्यक्ति कोई धमकी या प्रलोभन नहीं देगा ऐसा व्यक्ति न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और चौथा है न्याय हित में ऐसी कोई शर्त जो न्यायालय आवश्यक समझे ये जो चौथी कंडीशन है फोर्थ कंडीशन है वह इतनी व्यापक है कि ऐसी कोई भी कंडीशन न्यायालय इम्पोज कर सकता है अभियुक्त के व्यक्ति के ऊपर जो न्याय हित में आवश्यक हो तो ये अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय अभियुक्त के ऊपर ऐसी शर्तें लगा सकता है अग्रिम जमानत में अब इसके पश्चात देखते हैं कि अरेस्ट स्टेन यूपी मैंने एक स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के द्वारा सेक्शन 438 अग्रिम जमानत के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दिया गया ऐसा क्यों किया गया यह जैसा आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत तीन सूचियाँ हैं एक संघ सूची है राज्य सूची समवर्ती सूची जो केंद्रीय सूची संघ सूची के के अंतर्गत जो विषय हैं उसमें केवल और केवल भारतीय संसद के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय वर्णित किए गए हैं उस पर राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं फोर्टी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन विषयों पर केंद्र की संसद भी राज्य की विधानसभाएँ भी कानून बना सकती है सी जो दांडिक मामले हैं यह यह समवर्ती सूची थर्ड लिस्ट के अंतर्गत आता है इसलिए इसमें राज्य विधानसभाएं भी समय समय पर अपने राज्य की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक अपराध में आपराधिक आप विधि के अंतर्गत संशोधन कर सकती हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष दो वर्ष 1975 में 1975 में इस अग्रिम जमानत को समाप्त कर दिया गया और अब प्रश्न होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यदि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अजमानती अपराध का अभियोग अजमानती अपराध की एफ दर्ज होती है तो ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत ले नहीं सकता तो उसके लिए प्रावधान क्या है अब मैंने इस स्लाइड के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अग्रिम जमानत तो नहीं है लेकिन अग्रिम जमानत का ही के ही समान अरेस्ट स्टे गिरफ्तारी रुकवाने के लिए अरेस्ट को स्टे करने के लिए ऐसे व्यक्ति को दो विकल्प हैं मैंने इस डायग्राम के माध्यम से स्लाइड में बताया है कि एक सेक्शन 482 एटी टू सीआरपीसी में दिया गया दूसरा आर्टिकल 226 के अंतर्गत दिया गया है दो विकल्प प्राप्त हैं अब कब ऐसा व्यक्ति सीआरपीसी की धारा चार के, के अंतर्गत जा सकता है यह मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया आप देखें इसको दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की धारा चार उच्च न्यायालय को यह अधिकार यह शक्ति प्रदान करती है कि हाईकोर्ट हित में मिस ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए न्याय हित में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी युक्तियुक्त कदम उठा सकती है और इसी अंतर्निहित जिसको हम बोलते हैं कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है क्रिमिनल मैटर्स में आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है सेक्शन 482 के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश राज्य में यदि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अजमानती अपराध का अभियोग दर्ज किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की गिरफ्तारी को स्टे कराने के लिए अरेस्ट स्टे कराने के लिए सीआरपीसी की धारा चार के अंतर्गत आ सकता है अब इसमें भी दो चीज़ें हैं बिफोर सबमिशन ऑफ चार्जशीट अभी मात्र एफ हुआ है अन्वेषण हो रहा है और वह व्यक्ति चूंकि अजमानती अपराध है संघीय अपराध की एफ हुई है पुलिस उस मामले में गिरफ्तार कर सकती है कानूनी तौर पर ऐसी स्थिति में वह अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए अरेस्ट स्टे के लिए उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा चार के अंतर्गत आवेदन दायर कर सकता है अब यदि अन्वेषण वह इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा चल रहा है और चार्जशीट भी आ गई और चार्जशीट में अभियुक्त का नाम है तो जब तक गिरफ्तार नहीं होता है अगर गिरफ्तार व्यक्ति हो गया तो एंटीसिपेटरी बेल उसको नहीं मिलेगी नो बेल आफ्टर अरेस्ट नो एंटीसिपेटरी बेल आफ्टर अरेस्ट गिरफ्तारी के पश्चात एंटीसिपेटरी बेल अभियुक्त को नहीं मिल सकती है इसलिए यदि अभियुक्त का नाम एफ में आया अन्वेषण प्रारंभ हो गया और वह फरार चल रहा है ऐसी स्थिति मेरी चार्जशीट भी न्यायालय के समक्ष आ जाए तो चार्जशीट में उसका नाम दिया गया और वह समझता है व्यक्ति की निर्दोष है उस तारीख और समय पर जिस तारीख और समय पर अपराध किए जाने की बात एफ में की गई है उस तारीख और समय पर अभियुक्त न्यायालय में साबित कर देता है कि वह किसी कार्यालय में था या अटेंडेंस रजिस्टर है या उसका बायोमेट्रिक्स प्रेजेंस है तो उस वह अटेंडेंस रजिस्टर और उसका वह बायोमेट्रिक प्रेजेंस न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त आधार होगा कि वह एक व्यक्ति एक समय में दो स्थान पर नहीं हो सकता है और इस तरह से वह एंटिसिपेटरी बेल पाने का हकदार हो जाएगा तो चार्जशीट होने के बावजूद मेरी चार्जशीट भी आ गया और पुलिस को उसको लग गया कि इसमें नाम है या कभी कभी ऐसा प्राय होता है कि पुलिस जानबूझ करके अभियुक्त के खिलाफ अगर चार्जशीट भी ला गई तो चार्जशीट से नाम निकलवाने के लिए क्योंकि चार्जशीट से जब तक नाम नहीं निकलेगा वह पुलिस के पास पावर है कि वह कुछ कभी भी उसको अरेस्ट कर लेगी ऐसी स्थिति में एफ आई आर क्वैस करने के लिए वह संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत जा सकता है या एफ आई आर से नाम कटवाने के चार्जशीट से नाम निकलवाने के लिए क्वैसिंग ऑफ एफ उसको बोलते हैं क्वैसिंग ऑफ चार्जशीट तो दो चीज़ें हो गई कि एक तो हो गया कि एफ आई आर क्वैस करना एक हो गया कि चार्जशीट को क्वैस करना तो एफ आई आर को क्वेश करने के लिए भी यदि एफ आई आर में गलत नाम आ गया है तो भी उसको क्वैस कराया जा सकता है शून्य कराया जा सकता है कब जब ऐसे व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसका नाम गलत तरीके से एफ आई आर में दर्ज किया गया है दूसरा यदि चार्जशीट भी हो गई तो चार्जशीट क्वैस करने के लिए भी उसको अपास्त करने के लिए भी अपराध पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय में सीधे हाईकोर्ट में आवेदन कर सकता है बस केवल और केवल ये जो प्रावधान है एंटीसिपेटरी बेल के सेक्शन 482 के यह व्यक्ति को तभी मदद करेंगे जब वह व्यक्ति निर्दोष है यदि जिसके हाथ रक्त रंजित हैं जिसके हाथ रक्त से लगे हुए हैं ब्लड लगा हाथ में रक्त लगा हुआ है रक्त रंजित हाथों के लिए ये धारा फोर थर्टी एट या चार सौ बयासी कोई भी मदद नहीं कर सकती है अब अपराधी अगर एंटीसिपेटरी बेल लगे कि हत्या किया मर्डर किया हुआ गिरफ्तार हो सकता है न्यायालय के पास पर्याप्त साच है कि यह मर्डर किया है तो न्यायालय ऐसी स्थिति में यदि एंट्रिसपेटरी बेल के लिए अभियुक्त आता भी है तो उसका एंट्रिसपेटरी बेल खारिज हो जाएगा और एंट्रिसपेटरी बेल का खारिज होना केवल और केवल एक ही निष्कर्ष है कि पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि ऐसे अभियुक्त को कभी भी कहीं से गिरफ्तार किया जा सकता है तो एंटीसिपेटरी बेल का कैंसिलेशन किया जाना न्यायालय की राय में अभियुक्त अपराधी है अभियुक्त ने अपराध किया है इसलिए एंटिसपेटरी बेल उसको प्रदान नहीं की गई अब उत्तर प्रदेश राज्य में जैसे कि मैंने बताया कि अरेस्ट स्टे के लिए वह व्यक्ति आ सकता है और किस तरह से वह अपनी गिरफ्तारी को अवैध अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए चार सौ बयासी सीआरपीसी के अंतर्गत आ सकता है आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत आ सकता है अब प्राय एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि जैसा मैंने बताया एंटीसिपेटरी बेल के मामलों में दो हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय दोनों को पावर दिया गया है अब प्रश्न है कि यदि सत्र न्यायालय ने एंटिसिपेटरी बेल खारिज कर दिया तो ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है बिल्कुल जा सकता है वह कोर्ट में आवेदन कर सकता है दूसरी बात कि क्या यह सेक्शन 438 में कहीं नहीं उल्लेख किया गया है उस सेक्शन 438 साइलेंट है कि जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है इसका मतलब है कि जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल के लिए आया है उसे न्यायालय के समक्ष साबित करना होगा कि उसे इस उसे उस व्यक्ति को आवेदक को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि उसे इस उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है केवल मात्र कह देने से न्यायालय के समक्ष कि उसे अजमानती अपराध में अरेस्ट किया गिरफ़्तार किया जा सकता है उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है इसलिए अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए जो कंडीशन प्रेसिडेंट है जो पूर्व पूर्ववर्ती शर्त है वह पूर्ववर्ती शर्त यह है कि न्यायालय के समक्ष ऐसे आवेदक को यह साबित करना होगा कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है अब प्रश्न है कि क्या एफ आई आर दर्ज हो जाने के पश्चात अभियुक्त एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करे या एफ आई आर दर्ज न होने की स्थिति में भी ऐसा व्यक्ति यह विश्वास कर सकता है कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तो इसमें दो बातें हैं एक तो जिस किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अजमानती अपराध की एफ दर्ज हो गई तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अग्रिम जमानत ले सकता है अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में आ सकता है कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सत्य न्यायालय के समक्ष जा सकता है उसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन प्रश्न कि क्या एफ आई आर दर्ज होना ही कंडीशन है बिना एफ आई आर दर्ज हुए ही अभियुक्त अगर अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन करता है तो वे कौन से आधार होंगे जिन आधार पर न्यायालय ऐसी स्थिति बिना एफ आई आर के अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे सकती है इस डाउट को इस संदेह को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा पी वी नरसिम्हा राव बनाम दिल्ली प्रशासन 1997 के बाद में और इसे नसीमाराव राव वर्सेज स्टेट के का केस है जिसमें नसीमाराव राव के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के द्वारा नॉन अवेलेबल गैर जमानती वारंट जारी किया गया था किसी एक आपराधिक मामले में उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया अब गैर जमानती वारंट का जारी किया जाना यह अभियुक्त को अभियुक्त को विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि उसे अब पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है ऐसी स्थिति में पीवी नरसिमहाराव के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के समझ, के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल लिए आवेदन किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पीवी नरसिम्हा राव को अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल दी गई मात्र इस आधार पर कि उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती थी तो उसी गैर जमानती वारंट के आधार पर ही उसी ग्राउंड पर उनको विश्वासता कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और डेली हाँ कोर्ट ने उनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट किया दूसरा इस पर महत्वपूर्ण केस है चंद्रा स्वामी का चंद्रा स्वामी वर्सेस स्टेट ब्रैकेट में थ्रू सीबीआई सीबीआई ने चंद्रा स्वामी के विरुद्ध एक केस फाइल किया था चंद्रा स्वामी एक तांत्रिक के रूप में आ, किसी भी किसी व्यक्ति से पैसा लेने के आरोप में उनके विरुद्ध अपराधिक अभियोजन एफ आई दर्ज किया गया था अब चंद्रस्वामी के विरुद्ध भी अजमानती अपराध की एफ दर्ज की गई थी और उन्हें किसी भी समय सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता था अतः ऐसी स्थिति में चंद्रस्वामी ने भी हाईकोर्ट में बेल के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया और उनकी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई परंतु चंद्रास्वामी के द्वारा साथ ही साथ एक आवेदन और दिया गया जिसमें उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उन्हें विदेश जाना है और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना है और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें विदेश में जाना है विदेश जाने के लिए न्यायालय अनुमति प्रदान करे परंतु चंद्रा स्वामी के उस आवेदन को न्यायालय ने इनकार कर दिया और न्यायालय ने कहा कि बिना न्यायालय की अनुमति के स्वामी देश नहीं छोड़ सकते हैं इसलिए अग्रिम जमानत तो दे दी गई परंतु उनके उस आवेदन को खारिज कर दिया गया जिसमें उन्होंने विदेश जाने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी तो ये बात ध्यान में रखना है कि कैसे एफ आई आर दर्ज होने के पश्चात भी एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है और विदाउट बिना एफ आई आर दर्ज किए भी एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है उसको और भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि यदि एफ आई आर दर्ज न भी की गई हो तो भी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है अब एक स्लाइड के माध्यम से जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप इस स्लाइड को देखें अपने स्क्रीन पर तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1998 में जिसको मैंने नीचे रेड में इसको हाईलाइट किया है जिसका जिस केस का नाम है सलाउद्दीन शेख वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1998 नाइन्टी अब इस केस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वह यह हुआ कि क्या एक अभियुक्त जिसे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है एंटिसिपेटरी बेल वह उस कोर्ट में ले उस न्यायालय में ले जहां उसके विरुद्ध एफ दर्ज की गई है या वह किसी भी सत्र न्यायालय किसी भी राज्य के हाई कोर्ट से ले सकता है जहां पे उसे ऐसी आशंका है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर यदि यदि किसी किसी भी किसी भी व्यक्ति व्यक्ति के के तौर विरुद्ध दिल्ली दिल्ली में में दर्ज होती है कि इसने कोई जमानती अपराध किया है और वह व्यक्ति कानपुर में नौकरी कर रहा है तो अब उसे आशंका है कि कानपुर पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है या दिल्ली की पुलिस आकर के वह संघीय अपराध दिल्ली में रजिस्टर्ड हो गया उसके खिलाफ और दिल्ली का वह संघ वह आर दिल्ली पुलिस आके कभी भी उसको गिरफ्तार कर सकती है या उस एफ को कानपुर में ट्रांसफर किया जाए कि जहां अभियुक्त रह रहा है इस पते पर पुलिस थाने में भेजा जाए कि इस अभियुक्त को प्रस्तुत कर अरेस्ट करके और संबंधित थाले को ऐसी स्थिति में क्या ऐसा अभियुक्त दिल्ली में जहां पर प्राथमिकी एफ दर्ज किया गया है उस हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय को अधिकारिता है अग्रिम जमानत देने का या जहां पर अभियुक्त निवास कर रहा है जिस स्थान पर अभियुक्त को आशंका है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है वहां के हाई कोर्ट में वह अग्रिम जमानत का आवेदन दे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है मैंने आप इसको स्लाइड के माध्यम से देखें अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ मैंने कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में ग्रांट एंटिसिपेटरी किस हाई कोर्ट या सत्य न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत दी जाएगी जब मैंने दो एरो बनाया है एफ या आई आर रजिस्टर्ड एट वन प्लेस जहां पर एक स्थान एफ आई आर एक स्थान पर दर्ज किया जाए और आवेदक जो है वह किसी दूसरे स्टेट में रह रहा है किसी दूसरे राज्य में रह रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या दूसरे स्टेट या दूसरे स्थान के हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय को जहां आवेदक निवास करता है उसे प्रतीत होता है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है क्या वहां पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करेगा ऐसा हो सकता है तो इसका उत्तर उच्चतम न्यायालय के द्वारा सलाउद्दीन शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य के, के केस में सकारात्मक रूप से दिया कि एफ रजिस्ट्रेशन यदि किसी भी जिले में हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उसी डिस्ट्रिक सेसन कोर्ट में अभियुक्त जाकर के एंटिसपेटरी बेल ले अभियुक्त को जिस स्थान पे जहाँ पर वह रह रहा है जिस प्लेस पे जिस प्लेस पे उसे अप्रिहेंशन है कि ही माइड बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर एट दैट वेरी प्लेस ही कैन गेट एंटिसपेटरी बेल फ्रॉम दैट सेशन कोर्ट उस स्थान पर उस सत्र न्यायालय से बेल प्राप्त कर सकता है या उस राज्य में उस स्टेट के हाईकोर्ट में वह एंटिसपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है यद्यप कि एफ किसी दूसरे स्टेट में हुई है तो सबसे सिग्नि द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन दिस एंटिसपेटरी बेल इज कि एफ रजिस्ट्रेशन किसी एक जिले में हो डिस्ट्रिक्ट में हो दूसरे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट को पावर है एंटिसपेटरी बेल ग्रांट करने का प्रोवाइडेड दैट कि उस प्लेस पर जहाँ अभियुक्त रह रहा है उस प्लेस पर उसे अप्रिहेंशन हो कि उस स्थान की पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है तो प्लेस जहां पर अभियुक्त को अप्रिहेंसन है कि वह गिरफ्तार किया जा सकता है उस स्थान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या उस स्थान के हाई कोर्ट को यह पावर है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एंटीसिपेटरी बेल में एक नया डेवलपमेंट है जिसे छात्रों को याद रखना चाहिए अब आते हैं अग्रिम जमानत की समय सीमा क्या है इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें ये मैंने बताने का प्रयास किया है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है इसका टाइम पीरियड कितना होगा कि अग्रिम जमानत प्राप्त करने के पश्चात अभियुक्त एक हफ्ते होगा एक माह होगा छह माह होगा या लाइफ टाइम के लिए उसको कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा <coughs> तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि फोर थर्टी एट अग्रिम जमानत की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करती नीचे भी लिखा है मैंने कि नो एंटीसिपेटरी बेल आफ्टर अरेस्ट गिरफ्तारी के पश्चात कोई भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी अब फर्स्ट में जो लिखा है अग्रिम जमानत विचारण के पूर्ण होने या आरोप पत्र के दायर होने तक कभी भी उ, उस सीमा तक मतलब अन्वेषण विचारण के पूर्ण होने तक या चार्जशीट के दायर होने तक यह एंटीसिपेटरी बेल अभित को दी जा सकती है टाइम लिमिट नहीं है कि एक हफ्ते के लिए कि एक महीने के लिए एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त होगा सामान्यतः जिस किसी भी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल न्यायालय के द्वारा ग्रांट किया जाता है वहाँ पर अन्वेषण की समाप्ति तक अन्वेषण हो रहा है यदि सीट आ गई सीट में अभियुक्त का नाम है और साक्ष्य प्रतीत हो रहे हैं पुलिस को कि यह व्यक्ति अपराध किया है और चार्जशीट यदि न्यायालय में आ गई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और संज्ञान लेने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियुक्त के विरुद्ध जिसको हमने एंटिसिपेट्री जिसको संबंधित सत्र न्यायालय ने एंटिसिपेटरी बेल दिया हुआ उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य है तो ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल करने के लिए उसी सत्र न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा जिस सत्र न्यायालय के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई है और एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होगा और ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है या अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात वह ट्रायल के ट्रायल तक हो सकता है कि विचारण की समाप्ति तक विचारण की समाप्ति हो गई और कोर्ट का निष्कर्ष है कि अभियुक्त दोषी है तो अभियुक्त यदि दोषी है तो उसको दो सजा सुनाई जाएगी और सजा सुनाए जाने के लिए अभियुक्त का अरेस्ट होना कस्टडी में होना जरूरी है तो ऐसी स्थिति में ट्रायल की समाप्ति के पश्चात यदि न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियुक्त दोषी है तो इतना सीमा विस्तार हो सकता है अग्रिम जमानत का एंटीसिपेटरी बेल का तो सामान्यतः यह कहा जाता है सामान्य भाषा में कि एंटीसिपेटरी बेल जो है एक प्रकार से प्रोटेक्शन है निर्दोष व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है जो अपने आप को निर्दोष समझता है वह न्यायालय के समक्ष अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव आर्डर ले ले एक प्रकार का प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है एक प्रकार का ऐसा छाता है जो हमें साधारण गर्मी या साधारण बारिश से तो बचा सकता है लेकिन आधी और तूफान से नहीं बचा सकता है जिस प्रकार से छाता हमारा अम्ब्रेला है वह आधी और तूफान से नहीं बचा सकता है वैसे ही जो एंटीसिपेटरी बेल है यह एंटीसिपेटरी बेल किसी भी अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को बड़े अपराध से नहीं बचा सकती है यह अगर वह बड़े अपराध का मतलब यहाँ पे कि अगर उसके खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य है तो एंटीसिपेटरी बेल का कोई मतलब नहीं है और उसे न्यायालय से कोई राहत प्राप्त नहीं होगी तो ये ध्यान रखना है कि अग्रिम जमानत अब इस पर मैं महत्वपूर्ण स्लाइड पर देखें मैंने एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित महत्वपूर्ण वाद को बताने का प्रयास किया है कि इसमें इम्पॉर्टेंट केस कौन सा है तो एक केस लिखा है मैंने डॉक्टर विनोद नारायण वर्ष स्टेट ऑफ यूपी 1996 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है दूसरा केस मैंने लिखा है गुरुबख्श सिंह सीबिया बी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब ए आई आर नाइन्टी सुप्रीम कोर्ट यह गुरुबख्श सिंह की केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसको इस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा गुरुबख्त सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब ए आई आर नाइनटीन एटी सुप्रीम कोर्ट इस केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णित किया गया कि अग्रिम जमानत के लिए एंटी एंटिसपेटरी बेल के लिए एफ रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है बिना एफ दर्ज किए भी यदि अभियुक्त को ऐसा आभास होता है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो अग्रिम जा, उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है और वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार है अब प्रश्न है कि गिरफ्तारी के पश्चात आकयूष को क्या इसी स्लाइड पे देखें कि गिरफ्तारी के पश्चात जो सबसे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त या तो धारा चार सौ के अंतर्गत अजमानती अपराध की स्थिति में जमानत ले सकता है या 439 के अंतर्गत वह उपचार प्राप्त कर सकता है सेक्शन 439 में भी हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय को जमानत के मामलों में विशेष पावर दी गई है तो सेक्शन 437 और 439 तब पिक्चर में आएगा जब अभिद को गिरफ्तार कर लिया गया है तो आफ्टर अरेस्ट एंटिसिपेटरी बेल का पर्पज़ जो है समाप्त हो गया डिफीट हो गया तो ऐसी स्थिति में जब अभिद को गिरफ्तार कर लिया गया अजमानती अपराध के आरोप में तो उसकी उस स्थिति में सेक्शन फोर और फोर थर्टी नाइन अप्लाई होगा और उसमें अभियुक्त उपचार प्राप्त हो सकता है अब इस एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण केस मैं बताने का प्रयास करूंगा। वह केस स्लाइड के माध्यम से आप देखें मैंने लिखा हुआ है अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर टू थाउजेंड फोर्टीन सुप्रीम कोर्ट इस केस के मैंने दो भागों में मैंने इस केस को बांटा है इस अरनेश कुमार गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण केस है आप इस, इस स्लाइड को देखें इस अरनेश कुमार केस में क्या घटना घटित क्या हुई मैंने एक तरफ फैक्ट लिखा तथ्य और दूसरी तरफ मैंने निर्णय लिखा हुआ है पहले इस अरनेश कुमार केस के फैक्ट को तथ्य को समझें और देन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और इस दिशा निर्देश की अवहेलना करने पर अवमानना करने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता है संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय के न्याय न्यायिक अवमानना की कार्रवाई की, की जा सकती है तो अरनेश कुमार वर्सिस्टेट ऑफ बिहार एंटीसिपेटरी बेल पर सबसे महत्वपूर्ण केस है यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रशासन के पूरे पिक्चर को ही इस केस ने चेंज कर दिया है जिस प्रकार से डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का केस है अनलाफुल अरेस्ट पर उसी तरीके से यह केस एंटीसिपेटरी बेल से पर बहुत ही महत्वपूर्ण केस है अभी तक का तो इसके फैक्ट को तथ्य को देखते हैं कि क्या घटना घटित हुई अरनेश कुमार का विवाह वर्ष 2007 में जुलाई 2007 में उनका विवाह हुआ था और विवाह में उन पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया गया अप, अप, अरनेश कुमार के विरुद्ध कि अरनेश कुमार पेटिशनर याचिकाकर्ता अर्नेश कुमार और उसकी मां के द्वारा दहेज की मांग की जाती है आठ लाख रुपए टीवी रेफ्रिजरेटर इत्यादि दहेज की मांग की गई और उसके और उसके प्रति क्रूरता भी किया गया फिजिकल क्रूरता किया गया जिसके और उसे घर से निकाल दिया गया अरनेश कुमार ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया दहेज न लाने के आरोप में और वह मुख उसकी आ, अरनेश कुमार की माता के द्वारा जब भी आरोप लगाए जाते थे तो अरनेश कुमार मूक दर्शक के रूप में था और वह भी उसमें सहभागी था अपनी माँ के कार्यों में सहभागी था और उसने विवश कर दिया उसे घर से निकालने के लिए फिजिकल क्रूरता शारीरिक क्रूरता भी मानसिक क्रूरता यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा चार सौ अट्ठानबे क के अंतर्गत और धारा चार दहेज प्रतिषेध अधिनियम उन्नीस सौ इकसठ के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कर दिया गया अब इसमें आप देखें कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ दो वर्ष का कारावास या जुर्माना क्रुएल्टी क्रू, जो आईपीसी की धारा 498 है वह उसमें संज्ञ अपराध है और वह अजमानती है प्रथम अनुसूची जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची है उस प्रथम अनुसूची में क्रूरता को क्रुएल्टी को अजमानती और, और संज्ञे अपराध के रूप में दर्शित किया गया है यद्यपि उसमें सजा तीन वर्ष का और जुर्माना का प्रावधान किया गया है बावजूद जो क्रुएल्टी है क्रूरता क्रुएल्टी दैट इज कॉन्गजेबल ऑफेंस नॉन वेलेबल ऑफेंस जैसे ही इस अपराध की शिकायत परिवाद किया गया वैसे ही वैसे ही पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि अभी को अरेस्ट कर ले लिहाजा अरनेश कुमार सत्र न्यायालय के समक्ष एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करता है अरनेश कुमार का बेल एप्लीकेशन अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है पुनः हरनेश कुमार पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत करते हैं और पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी उन्हें कोई राहत नहीं दी जाती है उनके अग्रिम जमानत को अस्वीकार कर दिया जाता है अब अरनेश कुमार भारतीय संविधान के आर्टिकल 136 के अंतर्गत उच्चतम उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत से अपील करते हैं एस फाइल जिसको हम संक्षेप में एस बोलते हैं स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करते हैं आर्टिकल वन के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा अरनेश कुमार पिटिशनर याचिकाकर्ता की याचिका को एस को विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर लिया गया अब आभियुक्त की तरफ से न्यायालय के समक्ष जो साक्ष प्रस्तुत किए गए वो देखें अर्थात याचिकाकर्ता का याचिकाकर्ता के जो काउंसल हैं अधिवक्ता हैं न्यायालय के समक्ष साक्ष जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो स्लाइड को आप देखें मैंने स्लाइड पे सेकेंड साइड में बताया है जो निर्णय जहाँ पे लिखा हुआ है देखें एन को मैंने हाईलाइट किया है एन 2012 आर बी टू थाउजेंड ट्वेल्व दो है एन का मतलब यहाँ पर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक आ, सरकारी संस्था है जो रिपोजिटरी संस्था है जो पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर स्टेट वाइज जो राजवार कितने अपराध किस स्टेट में हो रहे हैं किस स्टेट में क्राइम रेट ज़्यादा है किसमें कम है यह एन रिपोर्ट करती है प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट जारी करती है तो यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल के साथ साथ एन के भी रोल को आप जान लेना चाहिए कि एन क्या है एन सी पे भी सामान्य अध्ययन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एन क्या है इसको तो जैसा कि मैंने बताया कि एन भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्जरी संस्था है जो स्टेट वाइज जितने भी क्राइम रेट हैं क्राइम हैं उनको उनके डेटा को कलेक्ट करती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किस स्टेट में ला एंड ऑर्डर अच्छा है यह एनसीआर की रिपोर्ट ही चूंकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट है अथेंटिक रिपोर्ट है इस पर विश्वास इस पर विश्वास किया जा सकता है तो जब एन की रिपोर्ट के आधार पर आप देखेंगे तो यह जैसे मर्डर है हत्या है तो हत्या के मामले में कोई एक स्टेट जो मर्डर की केसेज हैं किसी एक स्टेट में ज्यादा हो सकता है क्राइम रेट किसी में फिर किसी में किडनैपिंग या एबडक्शन अपहरण के मामले किसी स्टेट में ज्यादा हो सकते हैं किसी मामले में किसी स्टेट में रॉबरी डकैती लूट हत्या के मामले जो है किसी स्टेट में ज्यादा हो सकते हैं ये स्टेट वाइज डेटा है <coughs> यहां पर जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं वो यह है कि अरनेश कुमार की केस में जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो एनसीआरबी के डेटा को कोर्ट किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो मैं आपको बताने का स्लाइड के माध्यम से प्रयास करूंगा पुनः स्लाइड पर आप आएँ देखें कि एन सी आर बी का डेटा क्या है पहला डेटा है कि स्वयं सरकार ये स्वीकार कर रही है कि पूरे वर्ष 2012 में भारतीय दंड संहिता की एकमात्र एक धारा ऐसी है जो चार ए है उसको स्लाइड पर देखें जिस किसी एक धारा के अंतर्गत क्रूर जो क्रुएल्टी के मामले हैं उस क्रूरता के मामले में एक लाख सत्तानवे हजार सात सौ बासठ गिरफ्तारियां हुई हैं अर्थात एक वर्ष में स्त्रियों के द्वारा महिलाओं के विवाहिता महिलाओं के द्वारा अपने पति के विरुद्ध और अपनी सास ससुर के विरुद्ध जो एफ दर्ज की गई उस एफ के आधार पर टोटल गिरफ्तारी एक वर्ष में दो हजार बारे में हुई एक लाख सत्तानवे हजार सात सौ बासठ पूरे अखिल भारतीय स्तर पर यह पूरे कंट्री का डेटा है तो आप समझ सकते हैं कि क्रुएल्टी के मामलों में एफ आई आर यदि दर्ज हुआ कंप्लेंट यदि आई क्रुएल्टी की तो एक वर्ष में केवल आईपीसी के एक सेक्शन में इतना अरेस्ट होता है अब इस इसको और भी स्लाइड पे देखें जो बहुत ही आई ओपनर है यह डेटा इस डेटा के आधार पर ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों केस महत्वपूर्ण है सेकेंड पॉइंट को जो मैंने हाईलाइट किया है देखें जो दो वर्ष 2011 में जितने भी गिरफ्तारियां हुई थी उसके तुलना में 2012 हजार आठ परसेंट गिरफ्तारियां ज्यादा हैं एट परसेंट जो अरेस्ट रेट है वह दो हजार बारह में ज्यादा है प्रीवियस ये, प्रीवियस ईयर के तुलना में थर्ड पॉइंट को इस पर हाईलाइट किया है मैंने इसको स्लाइड में देखें कि जो वन लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड है आउट ऑफ वन लैख नाइन्टी नाइन्टी सेवन थाउजेंड अरेस्ट में अबाउट फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी वन फिफ्टी वन ये जो थी देवेयर मदर आर सिस्टर्स ऑफ हस्बैंड एक लाख सत्तानवे हज़ार जो अरेस्ट हुए थे उसमें से लगभग सत्तान सैंतालीस हज़ार नौ सौ इक्यावन या तो वह अभियुक्त की माएँ थी या बहनें थीं उनको गिरफ्तार किया गया था तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी यू कैन अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी ऑफ क्रुएल्टी ये क्रुएल्टी के मामले कैसे रिपोर्ट होते हैं और किस तरह से अरेस्ट होता है और आप ये जानकर ताजुब हो, होगा आश्चर्य होगा अब नीचे की बात और आप देखें स्लाइड पर कि चार्जशीट मैंने लिखा हुआ है ये सब मेरी ये सब एन के डेटा हैं ये सब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2012 के डेटा हैं आप इसको वेरीफाई कर लें और उस वेरीफाई करेंगे तो और ये चीज़ें अच्छी चीज़ होंगी चार्जशीट रेट जो है उसमें देखें 498 के अंतर्गत नाइन्टीन परसेंट है जबकि कन्विक्सन रेट 15 परसेंट है विच इज़ लोवेस्ट ये मैंने एरो बना करके सबसे नीचे लिखा हुआ है कि चार्जशीट का मतलब है कि जो अरेस्ट हुआ है और पुलिस ने 93 परसेंट मामलों में अब एक लाख सत्तानवे हजार सात सौ बासठ का 97 परसेंट आप निकालिए तो 97 परसेंट जितना आता है इसका मतलब है कि पुलिस की राय में एक लाख सत्तानवे हजार लोगों में से जो 93 परसेंट हैं वे लोग अपराधी थे उन लोगों ने क्रूरता किया था क्रुएलिटी किया था तो चार्जशीट का जो रेट है नाइन्टी है अब 93 परसेंट मामलों में 93.6 है इसको लगभग 94 ही माने तो लगभग नाइन्टी लोगों को चार्जशीट कर दिया पुलिस ने अर्थात चार्जशीट का मतलब हो गया कि पुलिस की राय में वे व्यक्ति अपराधी हैं अब लगभग अगर आप देखें वन लाख नाइन्टी से थाउजेंड का नाइन्टी थ्री परसेंट निकालेंगे तो बहुत ज्यादा डेटा है एक बात हो गई पुलिस की राय में इतने लोग दोषी हैं दूसरी तरफ कन्वशन रेट क्या है कनिक्शन रेट जो है पंद्रह परसेंट है ये वन लाइक नाइन्टी सेवन थाउजेंड का अगर पंद्रह परसेंट निकालेंगे तो वन लाइक सेवन थाउजेंड का पंद्रह परसेंट लोगों को सिद्ध किया गया अर्थात दोषि का जो रेट है वह 15, 15 है अर्थात न्यायालय की राय में केवल मात्र पंद्रह प्रतिशत लोग दोषी थे तो ये मैं जे डेटा बताने का एनसीआरबी डेटा को कोट करने का प्रयास किया इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि आरनेश कुमार वर्ष स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एस एक्सेप्ट किया और एनसीआरबी के डेटा को स्वीकार करते हुए अरनेश कुमार को अग्रिम जमानत ग्रांट कर दी गई अग्रिम जमानत दे दी गई और अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं जो मैं बताने जा रहा हूं उच्चतम न्यायालय ने अर्नेश कुमार मामले में जो महत्वपूर्ण निर्णय दिए उसको आप स्लाइड पर एक बार पुनः देख लें कि मैंने जो नीचे उसको रेड से किया हाईलाइट किया है एक तो कि जो सेक्शन फोर्टी वन ए के अंतर्गत नोटिस ऑफ अपेयरेंस है इस टर्म विद इन टू वीक्स कि जो पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी वे उन अपराधों में जो सात वर्ष तक के कारावास से दंडनी है उनमें केवल वह नोटिस भेजेगी उस पुलिस के समझ प्रस्तुत होने के लिए यदि दो सप्ताह के भीतर वह व्यक्ति पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है ओनली देन पुलिस कैन अरेस्ट देम तभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है दूसरा इसमें पॉइंट देखें नाइन पॉइंट चेकलिस्ट है फॉर अरेस्ट गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जो नाइन पॉइंट चेकलिस्ट है सेक्शन फोर्टी के अंतर्गत उसको भी पुलिस को मानना होगा और नीचे जो सबसे मैंने लिखा हुआ है यह उच्चतम न्यायालय का एक तरफ से अरनेश कुमार में गाइडलाइन दी गई ये जो इसमें कुछ कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी गई हैं लेकिन जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए इम्पॉर्टेंट है केवल मैं वहीं पर उसी को फोकस कर रहा हूं एक दिया गया कि जो सात वर्ष से कम के कारावास के मामले हैं उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी अन्यथा पुलिस को न केवल विभागीय कार्रवाई होगी पुलिस के विरुद्ध बल्कि इसे उच्चतम न्यायालय का न्यायिक अवमानना माना जाएगा कंटेम्प्ट कोर्ट माना जाएगा अब स्थिति क्या हो गई अरनेश कुमार के पश्चात कि अरनेश कुमार के केस में उच्चतम न्यायालय ने न केवल अरनेश कुमार को अग्रिम जमानत दिया बल्कि यह निर्णित किया कि वे सभी अपराध जो सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं उनमें पुलिस गिरफ्तार न करे कब जब धारा फोर्टी वन धारा इकतालीस एक, एक के अंतर्गत नोटिस फॉर अपियरेंस को अपियर होने के लिए नोटिस सर्व करे यदि नोटिस दिए जाने के चौदह दिन के दो सप्ताह के भीतर यदि अभियुक्त पुलिस का सहयोग नहीं करता पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो ऐसी स्थिति में पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है अब वे अपराध जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हैं उन अपराधों में उन मामलों में पुलिस के पास यदि पर्याप्त साक्ष्य है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है उसके लिए लेकिन यहां पर केवल एक गाइडलाइन है कि वे अपराध जो सात वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हैं और अभियुक्त के भागने की संभावना नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा और यदि गिरफ्तार करता है तो वह पुलिस अधिकारी जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वह उच्चतम न्यायालय के अरनेश कुमार के मामले में दिए गए दिशा निर्देश का पालन न करने के आधार पर उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की न्यायिक न्यायालय की अवमानना के लिए कार्रवाई की जा सकती है वो कंटेम्प्ट कोर्ट माना जाएगा और संबंधित राज्य का हाई कोर्ट ऐसे अरेस्टिंग <coughs> ऑफिसर को पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय भिभाग, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है अब अरनेश कुमार गाइडलाइंस पर दो मैं आपको दृष्टांत देना चाहूँगा जो कि आप एंटीसिपेटरी बेल के मामले को समझ सकते हैं कि जब इसमें दुरुपयोग बढ़ने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हस्तक्षेप किया और अरेश के अरेश कुमार केस के पश्चात एक प्रकार से आपराधिक भारतीय आपराधिक न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसे हम दो दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं अभी दिल्ली हाईकोर्ट में डेल्ही हाईकोर्ट ने वहां पे किसी एक एसएचओ को स्टेशन हेड ऑफिसर को जिसने किसी एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया था जो सात वर्ष से कम के आ, कारावास के अपराध को किया था एसएचओ के द्वारा गिरफ्तार जब ने उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे गंभीरता लेते हुए और उस थाने के भार अधिकारी के विरुद्ध अरनेश कुमार दिशा निर्देश न पालन करने के लिए उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए उसे कारावा उसे दंड सुनाया कारावासित किया यद्यप कि एक दिन का कारावास हो दो दिन का कारावास हो लेकिन यह अरनेश कुमार गाइडलाइंस दिशा निर्देश न पालन करना एक अपराध माना जाएगा और अभी उत्तर प्रदेश राज्य में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी शाहजहाँपुर एक जिला है शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कांठ जगह है कांठ पुलिस स्टेशन है वहाँ के पुलिस अधिकारी के द्वारा एस के द्वारा पाँच छः छः महीने पहले की बात है एस एच ओ ने दो समुदायों में आपसी रंजिश हो रही थी तो एक व्यक्ति को मात्र आशंका में गिरफ्तार कर लिए कि वे लोग उसके न गिरफ्तार होने से सांप्रदायिक दंगा हो सकता है जिस धारा में गिरफ्तार किया गया था अभियुक्त को वह धारा जो है उस धारा में सात वर्ष से कम के कारावास का प्रावधान किया गया था तो ऐसी स्थिति में उस शाहजहांपुर के जिले के कांठ जो एक प्लेस स्थान है वहाँ पुलिस चौकी जो प्रभारी थाने के भारधक अधिकारी जिन्होंने अरेस्ट किया था गिरफ्तार किया था उन्हें अरनेश कुमार दिशा निर्देश न पालन करने के आरोप में न्यायिक कार्रवाई और सिम्बोलिकली उन्हें तीस दिन का जो है नोशनल इंप्रिजनमेंट कारावास दिया गया कि यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती करेंगे तो उन्हें उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी तो इसलिए उन्हें दोषी मानते हुए कि इन्होंने न्यायालय की अवमानना किया है और उन्हें नोशनल कारावास के एक दिया तो नहीं गया लेकिन कह दिया गया कि इनको कारावास दिया जाता है काल्पनिक कारावास और ये अगर नहीं यदि इस प्रकार के अपराध रिपीट करते हैं तो उनको आपराधिक इनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित जितने भी केस मैंने बताने का प्रयास किया और इस केस के पश्चात जितने भी आ, इसके विधिक प्रावधान थे और एन सी के डेटा के माध्यम से मैंने इसमें जो महत्वपूर्ण केस है पीविंदर सिम्हाव वर्सेज स्टेट थ्रू सी बी चंद चंद्रा स्वामी वर्सेज स्टेट सी उस केस में गुरुबख्श सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब ए आई आर जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफ या के बिना भी अभियुक्त को एंटिसपेटरी बेल दिया जा सकता है एफ या होना ही कंटिसपेटरी बेल के लिए आ, को अवेल करने के लिए ग्राउंड नहीं हो सकता है बिना एफआईआर एफआईआर कोई अग्रिम जमानत की पूर्ववर्ती सर नहीं हो सकती है तो और उसके पश्चात इसमें अरनेश कुमार की केस इसके जिसके माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि कैसे स्वयं एन के डेटा ये डिस्क्लोज करते हैं कि किसी विधिक प्रावधान का कितना दुरुपयोग हो सकता है और इस ऐसी परिस्थितियों में यदि अग्रिम जमानत एक्यूज को न दिया जाए एंटीसिपेटरी बेल न दिया जाए और अग्रिम जमानत के लिए किसी व्यक्ति को सत्र न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत के लिए जाना पड़ जाए या फाइल करनी पड़ जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे जो सबार्डिनेट कोर्ट हैं उनकी स्थिति क्या है और न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ रहा है ऐसे मामलों में यद्यपि कि ये एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट के स्तर से या जिला सत्र न्यायालय के स्तर से हो जाने चाहिए थे ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आर्टिकली इक्कीस में प्रत्याभूत जीने के अधिकार की गारंटी या उसके दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी की कल्पना करना यह दुर् <coughs> दुर्भर प्रतीत होता है या मुश्किल प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में यदि ऐसे मामलों में हाई सुप्रीम हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो रही है सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो रही है और व्यक्ति एंटिसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो मैं समझता हूं कि इन स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि एंटीसिपेटरी बेल और एंटीसिपेटरी बेल प्री अरेस्ट गिरफ्तारी से पूर्व कैसे जमानत दी जाती है उसके लिए कंडीशन क्या है कि क्या क्या शर्तें लगाई जा सकती हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण केस क्या है यदि आप इतनी बातों को अपने उत्तर में समावेशित करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो लिखित परीक्षा है मुख्य परीक्षा है सभी छात्र इस एंटीसिपेटरी बेल से कंप्लीट कर पाएंगे और यह तो प्रारंभिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है एंटीसिपेटरी बेल से कम से कम दो क्वेश्चन तो प्रारंभिक परीक्षा में ही होते हैं तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि भारतीय संविधान को आर्टिकल इक्कीस भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस को लेते हुए सेक्शन फोर को लेते हुए संविधान के आर्टिकल 226 को लेते हुए सीआरपीसी की धारा चार सौ बयासी इन्हेरिंट पावर ऑफ हाई कोर्ट को लेते हुए महत्वपूर्ण जो केस अरनेश कुमार की केस गुरुबक्स की केस को लेते हुए यदि आप इतने आप समावेश करते हैं समावेशित करते हैं अपने उत्तर में आंसर में तो निश्चित रूप से हिंदी भाषी छात्रों के लिए यह बहुत ही उपयोगी लेक्चर होगा साबित होगा इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ थैंक यू